ज़्यादा स्कूटी नहीं चलाई है मैंने, अभी पता भी नहीं है। अगर हम मार्केट में गए तो इसको थोड़ा काम भी करवाना है, ब्रेक श्रेक डलवाते हैं इसमें थोड़ी दिन, मुझे भी आदत पड़ जाएगी मोटोला की, फिर मैं भी अपनी एक नई स्कूटी बाइक लूँगा। स्कूटी नहीं, मैं तो बाइक ही लूँगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल विद एंड्रे व्लॉग। सो गाइज, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ व्लॉग, ये देखो कहाँ से बिल्कुल जंगल में हूँ मैं। तो आज मेरा ये व्लॉग होने वाला है मोटो व्लॉग। तो ये देखो मेरे पास क्या है अभी, तो अभी हम इस पे जाएंगे थोड़ा आगे, देखते अगर ज़्यादा टाइम मिला तो हम मार्केट भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा ही दूर है। बाकी मेरे साथ है ये मेरा भाई, हाय बोल दो, हाय। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से, बाकी यहाँ पे देखो कितनी ठंड है, अभी धूप भी नहीं पड़ी है यहाँ पे। अभी हम यहाँ से निकलते हैं, वहाँ से धूप है फिर। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको सीधा मोटो व्लॉग पे। ये देखो बाकी स्कूटी, ये है अपनी एंटार्क। सो गाइस, अभी आ गए हम मोटो व्लॉग पे। अभी मुझे नहीं पता आपको कैसा व्यू आ रहा होगा, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। बाकी ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉग है, जैसी वॉइस आ रही होगी व्यू वगैरह एडजस्ट कर लेना। तो अभी हम जाते हैं थोड़ी दूर, रुकते हैं फिर कहीं धूप में। सो गाइस, अभी हम आ गए थोड़ा सा आगे, क्योंकि वहाँ पर सर्दी थी, अभी देखो धूप पड़ रही है यहाँ पर। तो अभी बात भी सही से नहीं करनी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इतनी सर्दी है। अभी हम जाएँगे थोड़ा सा और नीचे, बाकी आप देखो आगे। अभी मैं यहाँ पे खींच भी नहीं सकता हूँ स्कूटी को, क्योंकि इतने छोटे छोटे मोड़ है, ऊपर से कोई खतरा है आगे गाड़ी आने का। तो बाकी ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉग है। अगर आप भी मोटो व्लॉग करना चाहते हो, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, एक हेलमेट, एक मोट और एक होना चाहिए फ़ोन। फ़ोन से भी कर सकते हो आप, जैसा कि मैं फ़ोन से ही कर रहा हूँ। अभी मुझे नहीं पता कैसी क्वालिटी आ रही है। तो और आपके पास होना चाहिए कुछ भी, स्कूटी बाइक जो भी हो। गाइस, जिसको शौक होता है वो कुछ भी जुगाड़ लगा के करता है। बाकी अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत ही जल्दी अपनी बाइक ले आऊँगा। अभी तो फिलहाल इस स्कूटी से ही आपको थोड़े बहुत मोटो व्लॉग दिखेंगे। अभी ये भी नहीं पता है मुझे कि आपको कैसी वॉइस आ रही है मेरी, क्योंकि अभी मेरे पास माइक भी नहीं है, कोई पता नहीं था मेरा मोटो व्लॉग होगा। बाकी तो अभी मैं आराम से चल रहा हूँ, क्योंकि इधर ज़्यादा स्कूटी नहीं चलाई है मैंने, अभी पता भी नहीं है कैसा रोड है आगे, छोटे छोटे मोड़ है, छोटे छोटे मोड़, मोड़ पे गिरने का भी खतरा है, और आगे अगर कोई गाड़ी आ गई अचानक तो फिर कंट्रोल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना तंग रोड है, कहाँ जा सकता है बंदा। यहाँ पे देख सकते हो आप गाइस कितने स्पीड ब्रेकर हैं, थोड़ा सा खींच के आगे फिर स्पीड ब्रेकर आता है। इसमें ये जो पीछे वाली ब्रेक, ये भी थोड़ी ढीली है, आगे जाके इसको भी ठीक करवाएंगे। अगर हम मार्केट में गए तो इसको थोड़ा काम भी करवाना है, ब्रेक श्रेक डलवाते हैं, इसमें थोड़ी ढीली हो गई है ब्रेक, इसको टाइट करवाते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखो थोड़ी दूरी पे एक एक स्पीड ब्रेकर है, इससे स्कूटी में बड़ी दिक्कत होती है। क्या खींचेगा इधर बंदा, अभी एक और है आगे। गाइस, अभी एक और है। देख रहे हो गाइस, अचानक गाड़ी आ गई, हॉर्न भी नहीं मार रही।
सो गाइस अभी हम थोड़ा सा और आगे आ गए। यहाँ पे भी देखो अभी तक धूप नहीं पड़ी है, 10:30-11 बज रहे हैं। इधर भी इतनी सर्दी है ना, क्या बोलूँ मैं आपको। अभी आगे और ज़्यादा सर्दी आने वाली है, तो बाकी जितना मैं आपको दिखा सकता उतना मैं दिखा रहा हूँ। अभी मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है मोटो व्लॉग का। अगर आप ऐसा ही प्यार दोगे, मतलब सबको शेयर करोगे, धीरे धीरे मुझे भी आदत पड़ जाएगी मोटो व्लॉग की, फिर मैं भी अपनी एक नई स्कूटी बाइक लूँगा। स्कूटी नहीं, मैं तो बाइक ही लूँगा। तो बाकी ये बाइक मेरे भाई की है, आज उनका ऑफ था तो मैं ले आया। अभी देखता हूँ इसको कहीं धुलवाते भी हैं या खुद ही धोते हैं। मेरे हिसाब से खुद ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, खुद ही धोना। अगर कहीं पे पानी मिलता है तो, बाकी बीच बीच में रोड भी ख़राब है तो थोड़ी दिक्कत भी होती है। ऊपर से जब कोई बड़ी गाड़ी आएगी फिर ज़्यादा ही दिक्कत होती है, क्योंकि इतनी पतली रोड है, इतनी तंग रोड है। इतनी सर्दी है कि नाक बहने लगी। ओ भाई हाथ ठंडे हो गए, इतने इतने मोटे ग्लव्स लगा के भी हाथ ठंडे हो रहे हैं मेरे। बाकी अभी मैं थोड़ी सी स्कूटी खींचता हूँ। उतना भी नहीं खींच सकता है मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी जो पिछली ब्रेक है वो ज़्यादा ढीली है, और आगे वाली एकदम से लगाएंगे तो स्कूटी गिर जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट है। तो आगे अगर कोई मैकेनिक मिल दिखा हमें तो हम इसकी ब्रेक भी डलाएंगे, फिर खींच के देखते हैं। बाकी थोड़ा फ़ोटो शूट भी करेंगे, 1-2-3 रीलें भी बना लेंगे, वो आपको दिखेंगी इंस्टाग्राम पे। तो अभी चलते हैं आगे, इधर रुकना था, इधर तो बहुत ही सर्दी है। बाकी अभी मैं इधर रुकता हूँ, इधर से आपको मैं नीचे वाला व्यू दिखाता हूँ अपना संगलदान। यहाँ पर भी बहुत मस्त जगह है, बस यही है कि आज थोड़ी सर्दी है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। बादल